subscribe to Shimaru Shorties and click the bell icon to never miss an update. मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। के बयानात और मुकदमे के हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जोगिंदर सिंह ने सेठ धनी राम का खून किया है। लिहाजा अदालत जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद की रूह से मुलजिम जोगिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा देती है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे हमेशा अपना समझा है। मैं आपको उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस फैक्ट्री में 20 साल ईमानदारी से मैंने काम किया, उसी फैक्ट्री के बेईमान सुपरवाइजर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। डॉक्टर साहब, मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं शहर में नहीं रह सकता। मगर जा कहाँ रहे हो? बंबई में मेरा एक मित्र है, उसने मुझे काम दिलाने का वायदा किया है। और फिर डॉक्टर साहब, बंबई बहुत बड़ा शहर है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। शंकर, बम्बई जाकर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नीतू, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हर रोज तुम्हें एक चिट्ठी लिखूंगा और मैं हर रोज तुम्हारे चिट्ठी का जवाब दिया करूंगी। तुम यहाँ? तुमने उस छोकरे की आंखों का ऑपरेशन किया था ना, ये रही तुम्हारी फीस। चलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को फोन करने की कोशिश तो तेरी बीवी ने भी की थी, उसका अंजाम देख। दीनानाथ, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपना काम बहुत जल्द पिकअप कर लिया। आज से तुम्हें एक जिम्मेदार फायरमैन मुकर्रर किए जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, मैं ड्यूटी को हमेशा अपना धर्म समझूंगा। मुबारक हो शास्त्री भाई, आपकी नौकरी पक्की हो गई और हमारी दावत पक्की हो गई। शेख साहब, यह आपकी मेहरबानी का नतीजा है, वरना इस बंबई नगरी में मुझे नौकरी कौन देता? दोस्त को शर्मिंदा मत करो शास्त्री। तुम्हें सब अच्छा मान लो, हमारे मोहल्ले में आकर लड़कियों को छेड़ता? नहीं 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 तुम्हें नहीं शंकर, नहीं बस कर, छोड़ दो रामो। नहीं शंकर, अगर ये मर गया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। अदालत ये जानकर हैरान रह जाएगी मिलॉर्ड कि मुल्जिम कुमार लाल जन्म से ही गूंगा है। क्यों लाजवंती देवी, अब आप क्या कहना चाहती हैं? वही जो मैंने पहले कहा था। वकील बबुआ, आप कितने भोले हैं, आप सिर्फ जुबान की भाषा समझते हैं, नैनों की नहीं। नैन वो कह देते हैं जो जुबान नहीं कह सकती। अब आप ही बताइए, नैनों की भाषा होती है ना? होती है। न्यायमूर्ति महोदय, ये पॉइंट नोट किया जाए। मुनिबेन, सू थारो वक्त छे, सू जमावे तू। रोकड़ा पी दो। पहले 25 रुपए आपो। हाथ में आया हुआ माल वापस नहीं होता, तुम्हारे ये लफड़े तो चलते रहेंगे, एडजस्ट कर लेना। मोनी के बच्चे, मैं कहता हूँ मेरी मोटरसाइकिल से नीचे उतर। मोनी एक बार चढ़कर फिर नहीं उतरती। तो यूं नहीं मानेगी? हट। साला धोखेबाज फरेबी, आज फिर चकमा दे गया। कोई बात नहीं बच्चू, बच के कहाँ जाएगा। बेटी, क्या क्या सोचा था तेरे लिए,
तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, मगर तकदीर ने कहां से कहां पहुंचा दिया, और अब तू बिन मां की बच्ची मेरे लिए क्या क्या मुसीबतें उठा रही है। डैडी, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत है कि बेचारी मुसीबत मेरे पास आकर खुद मुसीबत में फंस जाती है। चल शरीर कह की। अरे आपकी पाइप अभी भर कर लाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शंकर, कहो भाई कैसे हो? जी अच्छा हूँ। अरे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो जी। जिस किसी को भी बंबई दिखाने ले जाते हो वो तुम्हारा ही हो जाता है। क्या जादू है तुम्हारे पास? अभी की ट्रेनिंग का जादू है सर, वरना मैं किस काबिल हूँ। अच्छा देखो शंकर, कल लंदन से मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन और जापान से मिस्टर कुरुसोवा आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं, गुड न्यूज सर। लेकिन दोनों को एक ही गाइड चाहिए। आओ सलमा। आदाब। आदाब। हमें इस बात की खुशी है कि आप हमारे यहां काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तकलीफ तो होगी, उस कमरे से मेरा लाइटर ले आएंगी? क्यों नहीं। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कमबख्त को आदत है, घबराओ नहीं। की बच्ची, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ नहीं छोड़ूंगा। अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया, अल्लाह ताला जरूर आपको इसका अजर देगा। कौन थे ये लोग? सौदागर, जिस्म के व्यापारी, बहन बनाकर मुझे लाए और एक दरिंदे के हाथ मुझे बेच दिया। चलिए मैं आपको घर पहुंचा देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं तुम्हें सहारा दूंगा मगर एक शर्त पर। तुम मेरे घर में सलमा नहीं, शांति बनकर रहोगे। शांति? शांति? कौन शांति? कैसी शांति? यहाँ क्यों आई है, किस लिए आई है? अरे मैं पूछता हूँ तुझसे, यहाँ लेकर क्यों आया? इसलिए कि इसका कोई है नहीं, बेचारी बिल्कुल बेसहारा। अरे तो मैं क्या करूँ? मैं शांति को इस घर की अशांति नहीं बनने दूंगा। जाने इसकी जन्म कुंडली क्या है? पिताजी ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की है। अरे हिंदुस्तानी हो या इंग्लिस्तानी, मैं कुछ नहीं जानता। इस घर में या ये रहेगी या मैं रहूंगा। ये तो यही रहेगी। तो मैं ही चला जाता हूं। लीजिए पिताजी। बस कर बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अब तो मैं चल फिर भी सकता हूँ। नहीं पिताजी, डॉक्टर ने अभी भी मालिश करने के लिए कहा है। मैं नहीं जानता तू कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन तूने आते ही चुपके चुपके मेरे दिल में घर कर लिया, सारे दुख दर्द समेट लिए। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बेटी तो बाप के लिए बहुत कुछ करती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्मा आप? कौन? डॉक्टर चाचा। राम 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 राम। बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी डॉक्टर साहब। आप जैसी देवता स्वरूप इंसान के साथ भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। डैडी, बेटी पहचाना इसे? अरे ये शंकर है, वही शंकर तेरे बचपन का साथी। शंकर, ये तो मुझे माफ कर दे, मुझ बदनसीब को क्या मालूम था, मेरी मंजिल मेरी तलाश मेरे सामने है और मैं भटकता रहा। अब जिंदगी भर भटकते रहो।
ये रहा आपका चश्मा। कौन? नीतू? मैं पूछता हूँ कौन है? डैडी, डैडी, बचाओ, बचाओ, बचाओ! भगवान का लाख लाख शुक्र है, जिसने आपको नया जीवन दिया। मेरे लिए तो शंकर भगवान शंकर का रूप बनकर आ गया, वरना शास्त्री जी आज मेरी बेटी नीतू इस दुनिया में भटकने के लिए बिल्कुल बिल्कुल अकेली रह जाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, देन इन द इवनिंग वी गो टू फिल्म सिटी। साहब कैसे मेरा शंकर? ये ऑपरेशन हो गया है, लेकिन शंकर की हालत बहुत सीरियस है। जब तक उसे होश ना आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आप लोग दुआ कीजिए। भगवान पर भरोसा रखो दीनानाथ, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, शंकर को होश आ गया, मेरे शंकर को होश आ गया। भगवान ने आप लोगों की सुन ली, मेरा शंकर बच गया, मेरा शंकर बच गया। शांति, शांति, शांति कहाँ चली गई? पाक परवरदिगार, तू मेरी जान ले ले, लेकिन शंकर की जान बचा ले। शंकर बेटे, तेरा रास्ता सही है, मेरा रास्ता गलत था। मैं भटक गया था, मैंने अपने आप को अंधेरों में बंद कर रखा था। मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा था, पाप कर रहा था। सलमा बेटे, ईद मुबारक हो बेटे, ईद मुबारक हो। अल्लाह, नूर टपक रहा है चेहरे से। इस बच्ची की सादगी ने, इसके शर्महया ने मेरा दिल जीत लिया है। नादर भाभी, आप जैसे नेक परिवार में अगर सलमा बहू बनकर चली जाए तो मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात होगी। शेख साहब, आज अगर अख्तर यहां होता तो कितना अच्छा होता। अरे भाई शास्त्री, छुट्टी में आएगा तो वो भी देख लेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मेरी और मेरे बेटे की पसंद एक है। मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अरे भाई शास्त्री, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी दोस्ती अब रिश्ते में बदल रही है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप सबने मुझे इस कन्वेंशन का सभापति चुना, मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं आशा करता हूं कि दुनिया का हर देखने वाला आपकी तरफ देखे, आपकी समस्याओं को समझे, आपके जज्बात को महसूस करे। डॉक्टर, माना कि हम आपको आंखें नहीं, छोकरे की आंखों का ऑपरेशन किया था ना, तो उसकी फीस तो तुम्हें मिली ही नहीं। चौक अंदर चैन, तू वही खूनी है, वही पापी है,
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन जोगिंदर सिंह? कौन पापी? कौन खून? क्या हो गया आपको? होश में तो हैं आप? ये सेवा तकनी होती नहीं है, ये खूनी जोगिंदर सिंह है। डोंट वरी सर, आज वो अंधा अपने घर नहीं पहुंचेगा। डॉक्टर साहब आप ठीक हो? शास्त्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर चाचा? मिस्टर अग्निहोत्री और जोगिंदर, ये कभी नहीं हो सकता। मैं 5 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। शहर का बच्चा बच्चा जानता है, वो शहर के बहुत बड़े रईस है, दानवीर है, लोग उनकी पूजा करते हैं। मैं उस कुत्ते जोगिंदर की भयानक आंखें और दाढ़ी कभी नहीं भूल सकता। आज उनकी तस्वीर छपी है और ये तस्वीर उसी सभा की है जहां आप कल गए थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप पर बार बार हमला कौन कर रहा है? वही दरिंदा जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह पढ़े, भेस बदलकर दुनिया को कब तक धोखा देता रहेगा? डर वर्मा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। क्या हुआ सर, क्या बात है? डॉक्टर वर्मा कहाँ है? डॉक्टर वर्मा यहाँ? वो यहाँ कैसे आ सकता है? आपको जरूर कोई वहम हुआ है। मुझे वहम हो गया है? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ इडियट? आइए सर, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। पिताजी, माय बॉस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। हाँ शंकर, जो कुछ भी है आप ही की वजह से तो है। शुक्रिया। नीतू, माय बॉस मिस्टर अग्निहोत्री। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। शंकर और नीतू के मिलन की इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम आप लोगों के सामने एक म्यूजिकल आइटम पेश करने जा रहे हैं, जिस आइटम का नाम है आंखें। भगवान है आंखें, शैतान है आंखें, कमजोर है आंखें, बलवान है आंखें, ये झूठ नहीं कहती, पर्दे में नहीं रहती, हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला। तो हर पापी को उसके किए की सजा इसी जन्म में देता है। जोगिंदर सिंह, तुम जिंदा रहोगे लेकिन अंधेरों में तुम देख सकोगे सिर्फ अपने गुनाहों को, अपनी काली करतूतों को, समझे? अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसने मेरा